आज सितारों की तय पाने वाली एम तरतीब के मुताबिक कमर बुज दिलिफ में मौजूद रहते हुए बुसोर में मुकी मतारत के साथ तरबीब बनाएगा, जिसके मुर्तब होने वाले असरात मुमकिन तौर पर आपके प्यार मोहब्बत से मुतालका मामलात में न सिर्फ गलतफहमियों को जन्म देने का सबब बन सकेंगे जो कशीदगी का सबब भी बन सकेंगे, जिससे आप में जहनी तनाव बढ़ने से आपके मामलात भी गड़बड़ हो सकते हैं। आपकी मामूल की जिंदगी खासी बेतरतीब होने से मजीद बेचैनी का सबब बन सकती है। इन कैफियत में अपने प्यारों से होने वाली बातचीत मुमकिन तौर पर गलतफहमियों का शिकार हो सकती है, जिससे मजीद जहनी अजियत बढ़ सकेगी। इन मनफी असरात से बचने के लिए आपको बहस तकरार से बचना होगा, और ऐसा कोई भी मौका सामने आ जाए तो आपको हतुल इम्कान इससे गुरेज करना होगा, क्योंकि अगर आप बहस तकरार का शिकार बन गए तो ये बआसानी सख्त किस्म की लड़ाई में तब्दील हो सकता है। आपको बातचीत करते वक्त अपने अल्फाज का चुनाव इंतहाई एहतियात से करना होगा, क्योंकि आप जो भी कुछ चाहेंगे इतना भी सही हो या दुरुस्त वो उल्टा ही समझा जाएगा, जिससे आपके अख्तलाफात मजीद बढ़ने के इम्कान सामने आ सकेंगे। आपकी सोचें बार बार तब्दीली की हालत से गुजरेंगी, जिससे सच्चाई पस मंजर जा सकती है, जिससे मुमकिन तौर पर मुश्किल बढ़ सकती हैं, और तब्दीली का तासर जाहिर होने से आप अमली इकदाम में उजरत पसंदी के मुर्तकब भी हो सकते हैं। आपको अपने अमली इकदाम करते वक्त इंतहाई मुतामिल मिजाजी और सुकून का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि जल्दबाजी या उजरत पसंदी से काम लेने से मुश्किल में मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन इन असरात का दूसरा पहलू सामने आने से आपकी रूहानी खूबियों और कुव्वतें बढ़ने के साथ साथ आपको दूसरों से बातचीत करते वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहने में भी आपकी मदद साबित हो सकेंगी, जिससे दूसरों के सामने अच्छा तासुर नुमाया हो सकेगा। लेकिन आपको अपने फैसलों को इंतहाई सोचो विचार के बाद मोहतात रवैये इख्तियार करते हुए मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए, और इन सब मामलों को संजीदगी से लेना चाहिए। याद रखिएगा कि अगर आप सच्चाई का दामन हाथ से छोड़ देंगे तो आपकी सोचें भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती हैं। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना होगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं और रोजाना अपने आने वाले दिन के बारे में जानिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।